इसको कोई दिक्कत होगा। एनिको जी वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये देखिए सुबह मामा ले जा रहे हैं, छठ का दौरा उठाए हुए हैं। छठ का दौरा उठाए हुए गेट खोला क्या? रुकिए गेट खोलो तो। नमन कौन सा? ये वाला लो वाला है। ये लो वाला आयो बढ़िया होगा, सही बढ़िया होगा। और आज चौथा दिन है खरना का दिन। आज देखें अभी हम लोग हाथी को जैसा हो बाहर आज जाए घाट पे जाएंगे और सुबह उठते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देंगे। पुरस्कार हाथी कोसी जो भी है उसको विसर्जन करना है, तो इसलिए हम सुबह निकल रहे हैं। और कल जिस जगह पे थे उसी जगह पे जाएंगे, फिर दौरा वौरा लगाएंगे और उठते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देंगे। फिर आज से आज का छठ समाप्त हो जाएगा। बाकी चलिए घाट पर चल के फिर आप लोगों से बात करते हैं। हम लोग निकल चुके हैं दौरा लेके, हम लोग बाइक से हैं और आगे हमारा दौरा है, पीछे से मम्मी मामी लोग सब अपना आई की गाड़ी से। हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं बिकॉज हम लोग को बताया था जैसा कि कलसा भी विसर्जन करना होता है, तो कलसा विसर्जन करेंगे और आज सूर्य देवता जो उगते हैं उनका जल देंगे उनको, और उसके बाद से हम लोग को मतलब आज पारण हो जाएगा। पारण के बाद बैठ के लोग सब प्रसाद बांटेंगे, आप लोग भी प्रसाद खिलाएंगे, ठीक है ना? बाकी चलिए घाट पर चलते हैं, फिर मिलते हैं। घाट पे आ चुके हैं। ये देखिए घाट का सजावट कुछ इस तरह से है। अभी तो मतलब मरीन ड्राइव के पास ही है, एकदम ऊपर है मरीन ड्राइव देखिए। और यहाँ सामने 88 नंबर घाट से जस्ट निकले हैं, अभी चलना है घाट के पास चलना है। तो जहाँ पे कल थे वहीं पे दोबारा से चलना है, क्योंकि जगह वही रहता है, जगह बदलता नहीं है। चलिए चलते हैं हम वहाँ घाट के पास, और जहाँ पे थे वहाँ पे फिर दौरा वौरा सजाएंगे, हाथी कोसी को विसर्जन करेंगे। उसके बाद मम्मी लोग मामी लोग आएंगे तो फिर अर्घ के लिए वहाँ पे फिर आएगा जो होगा सूर्य देवता उगेंगे, तो फिर सूर्य देवता को अर्घ दिया जाएगा। बाकी चलिए हम लोग का भी वो जो वहाँ पे सामान रखे वो आगे आ ही गया है, उसी का वेट कर रहे हैं। सुबह मामा सजा रहे हैं। देखिए पूरा घाट सजा, रुकिए आपको छोटा वाला आटा इधर देखिए सज रहा है। बोलिए सुबह मामा कुछ। हाँ देखिए दोस्तों, और अभी हम लोग सूप लगा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको बताए थे कि सूप लगेगा, अभी दिया जलेगा, उधर हाथी कोसी जल रहा है, उधर दिखा दो। देखिए हाथी कोसी जल रहा है, भैया हाथी कोसी जला रहे हैं। देखिए दोस्तों आपको सामने दिखाते हैं, आराम से जाना। हाँ देखो, देखिए गाइस इधर जल रहे हैं, उधर जल रहे मामा। तो आपसे अभी मिलते थोड़ा देर बाद। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाएं कि दौरा सजा दिए हैं, यहाँ पे देखिए सूप उप लगा दिए हैं, और ये भीड़ देखिए, भीड़ उमड़ना स्टार्ट हो गया है। सामने जो जेपी सिद्धू पुल है भाई, क्या मस्त लगता है। अब कैमरा में तो उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा, बट स्टिल देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर देख सामने जेपी सिद्धू पुल और सामने मरीन ड्राइव है, और अभी तो पूरा लाइट वाइट जगा हुआ है। हाँ, और उधर भैया हाथी कोसी भर रहे हैं, ये देखिए हाथी कोसी भरा रहा है। और जैसा कि अभी थोड़ा देर बाद देखिएगा पूरा घाट खचाखच भर जाएगा। बाकी चलिए बत्ती उत्ती धूप उप जलाते हैं हम।
देखती रही है। क्या हो गया? तो अभी देखिए सूर्य भगवान का लाली किरण आने लगा, मतलब सूर्य भगवान अब बहुत जल्द ही उगने वाले हैं। और यहाँ पे हाथी को सिपहिया जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए। और इधर देखिए भीड़ देखिए, धीरे धीरे पूरा भीड़ उमड़ चुका है। ये देखिए मतलब जिस टाइम आए तो उस टाइम कुछ नहीं था, और अब देखिए भीड़। थोड़ा कीड़ा है बट ठीक है, गर्मी का टाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा बट ठीक है। पूरा भीड़ देखिए, भीड़ खचाखच। अभी थोड़ा जब अर्घ पड़ने लगेगा तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। ये देखिए इधर जा रहा है निकू विसर्जन करने, और सूर्य भगवान का लाली किरण जो गंगा जी में पड़ रहा है ना भाई साहब, क्या ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए आप खुद से देखिए, मतलब जो आँख मतलब अपना रियल दे पा रहा है वो कैमरा में बिल्कुल नहीं आ पा रहा, बट ठीक है। और इधर निकू विसर्जन करते हुए हाथी खुशी का कोई आ चुका है। वो देखिए सामने मामी जा रही है स्नान करने के लिए, और स्नान करके आके डुबकी उबकी लगा के फिर आके यहाँ पे सूर्य देवता बस लाली अपने लाली चरम पे हैं, उगने वाले हैं। सूर्य देवता आएंगे फिर यहाँ पे लोग अर्घ देंगे, और परिवार के भी सब लोग आ चुके हैं। इधर सब देखिए सब खड़े हैं यहाँ पे, बाकी अपना जो सूप उप लगाए हैं तो दिया हुआ जला के अच्छे से रखे हुए हैं। जब तक अर्घ नहीं पड़ेगा तो दिया को बुझने नहीं देना है, ठीक है। बाकी भीड़ देखिए, चेक दिस आउट, भीड़ चेक कीजिए कितना भीड़ हो गया है, पूरा घाट भर गया। फाइनली अपने सूर्य देवता आ गए हैं, तो चलिए पहले हम लोग आशीर्वाद ले लेते हैं, सूर्य देवता को प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद फिर अच्छे से फिर ब्लॉग बनाते हैं। को देखिए ऊपर कंधा है बैठा हुआ है। अब सूर्य देवता भी आ गए हैं जैसा कि आपको पता है, दिखा दिए आप लोग को। और अब मामी आएंगी और आके अब अर्घ वर्घ देंगी, और इधर फिर हम लोग का जो सूप पड़ा है सूप उठाएंगे, और अर्घ देने के एक एक सूप जाएगा। मामी अपना अर्घ देंगे सूर्य देवता को, हम लोग भी अर्घ देंगे सूर्य देवता को। उसके बाद फिर हम मामी करेंगी पारण, पारण भी चाय से सॉरी हल्दी और इससे होता है पारण हम लोग के यहाँ। उसके बाद लोग हवन हवन करेंगे, आरती वारती करेंगे, उसके बाद सूप करेंगे, हवन हवन करके आरती वारती करके फिर चलेंगे घर पे। बड़ा ही मज़ेदार मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया आज का दिन। और ये वाला छठ बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कठिन होता है बट ठीक है, चलिए बाकी आती है तो फिर अलग जैसे। देखिए मामी आ रही है अर्घ देने के लिए, अब मामी अब आएंगे तो हम लोग अर्घ देंगे। अर्घ सूप से ही पड़ता है कि आप लोगों को पता है, देखिए। और धीरे धीरे सब लोग अर्घ देना स्टार्ट कर दिए हैं। इधर देखिए इधर अर्घ पड़ रहा है, इधर भी अर्घ पड़ रहा है, और सब जगह अब धीरे धीरे अर्घ देना स्टार्ट हो गया है सब जगह। देखिए उधर भी अर्घ हो रहा है, इधर भी अर्घ हो रहा है, उधर भी अर्घ हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। अब हम लोग का भी अर्घ पड़ेगा, बस आ जाए मामी सर, हम लोग भी अर्घ देते हैं सूर्य देवता को। सामने देखिए सूर्य देवता खूबसूरत दिख रहे हैं भाई साहब, ये एक अलग ही चमक होता है आज के दिन के सूर्य देवता का। बाकी ठीक है, अर्घ पड़ने का सिंदूर उंदूर लग रहा है, हल्दी वल्दी लग गया है, अब धीरे धीरे सूख जाएगा, उसके बाद अर्घ पड़ेगा। पानी को जाकर थोड़ा पकड़ लो ना, पहला सूप का अर्घ अब जाएगा सूर्य देवता को। चलिए हम भी अर्घ देते हैं सूर्य देवता को, छठी में आप सबकी मुरादें सब पूरी करें। चलिए पहले अर्घ दे देते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। अर्घ पड़ चुका है हर जगह का, और हम लोग का भी अर्घ हो गया है, और अब मामी अब पाई करेंगे अपना।
फास्टिंग तोड़ेंगे फिर हम लोग भी ठेकुआ और केला खाएंगे, प्रसाद, पहला प्रसाद हम लोग का अभी का टाइम होता है। उसके बाद फिर पैक हुआ हम लोग जितना भी सब ये सब सारा सूप है, सारा सूप पैक होगा इस दौरा में, हवन हवन होगा, हवन होने के बाद हम लोग निकलेंगे घर की और घर जाके फिर मामी पारण करेंगी, दर्शन की जो बना है वो खाएंगे, ठीक है। घर पे भी आप लोग का ब्लॉग देखना बाकी है। कर रहा है तुम नहा लिया? देखो देखिए बच्चा लोग, बच्चा लोग का तो अलग ही मस्ती है। क्या शानू क्या कर रही है? नहला दे क्या तुमको भी? खेल रही है लेकिन लोग अलग मस्ती है। उधर किसू अलग गोद में है, यही मेरा ब्लॉग बना रहा है बैठ के। ओए डुबकी लगाना है? केशो हेलो। इसको पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है, समझ में नहीं आता है। क्या तुमको जो दुश्मनी है पहले बताओ, क्या दुश्मनी है? और अभी अलग अलग सब हो गया है, इधर देखिए अब हवन होने जा रहा है, हवन भी होगा, हवन भी आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है ना। सूर्य देवता अपने चरम सीमा पे है, सारे लोग अभी अर्घ दे रहे हैं, हम लोग दे चुके हैं, धीरे धीरे जितना हो रहा है लोग देते जा रहे हैं और लोग अब निकलते जाएंगे। भाई साहब आगे जाकर भी जाम तो बवाल हो जाएगा, मतलब एक घंटा दो घंटा तक पूरा एकदम बिजी हो जाएगा रूट, पूरा मरीन ड्राइव तक। बाकी चलिए हवन करते हैं और हवन करके फिर आप लोग। हवन हो रहा है, हवन कर रही है मामी, हम लोग भी हवन करेंगे धीरे धीरे, पूजा हो जाएगा उसके बाद हम लोग भी हवन करेंगे। यहाँ से ठीक आ रहा है, यहाँ सब चीज सही है, मस्त है एकदम। सूर्य देवता और ज्यादा किरणों के साथ हम खिलखिलाए हुए। फिलहाल चलिए हम लोग इधर हवन का अपना देखते हैं। दीदी हवन कर रही है, अब हम भी थोड़ा हवन कर लेते हैं। मेरा तो हवन करते हुए कोई दिख बनाएगा नहीं वीडियो, क्योंकि हम अकेले ही हैं, बाकी तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और भीड़ देख सकते हैं पीछे का, कितना ज़्यादा भीड़ है छठ का, मतलब ये भी छठ का बहुत ज़्यादा वो होने लगा है, प्रचलन होने लगा है, बट ठीक है क्योंकि उतना नहीं होता है और जितना ज़्यादा चैती छठ और दोनों छठ बहुत ना ही महत्व रखता है जितना मेन वाला पर्व महत्व रखता है। बाकी चलिए हम भी चल के हवन कर लेते हैं अब थोड़ा। हम लोग का उमास भी अब हो गया है और अब जा रहे हैं प्रसाद खाने के लिए, प्रसाद और केला से हम खाएंगे प्रसाद, छठ का प्रसाद एक अलग ही मजेदार वाइब्स आता है भाई साहब। चलिए प्रसाद खाते हैं, आप लोग खिलाते हैं। हाँ सबका अपना अपना सेशन चल रहा है, इधर सेल्फी सेशन चल रहा है, इधर प्रसाद बट रहा है और थोड़ी देर में सूप भी अब सड़िवाएगा, फिर हम लोग घर की ओर निकलेंगे। बाकी चलिए हम भी अब चलते हैं, टीका उगा करवाते हैं और फिर प्रसाद उसाद खाते हैं। छोटे प्रसाद मिल चुका है, प्रसाद खाने जा रहे हैं, तो चाय पिएंगे फिर दौड़ा उठाएंगे फिर चलेंगे घर। चलिए प्रसाद खाते हैं, आई होप आप लोग अभी छठ रहा था, आप लोग प्रसाद खा चुके होंगे अब तक, हम भी खा लेते हैं प्रसाद। अभी हम लोग का सब चीज कंप्लीट हो गया है और ये देखिए सर पे दौर रख है, खासे ब्लॉग बनाते हुए भी जा रहे हैं, बहुत ही मजा आया और आज का छठ कंप्लीट। बाकी जो कल का वीडियो था वो तो डालेंगे, थोड़ा लेट होगा वीडियो डालने, बट ठीक है, इट्स ओके, थोड़ा मैनेज कीजिएगा।
बाकी चलिए अभी दौड़ा वोड़ा रखते हैं और दौड़ा रखने के बाद फिर अच्छे से घर चलेंगे। फिर मामी अपना फास्टिंग तोड़ी है, फास्टिंग टूट गया है, आज के दिन थोड़ा बनता है, ज़्यादा पकवान बनता है, तो फास्टिंग वास्ट में तो बहुत ही मज़ा आता है खा के खाए वाएंगे। उसके बाद फिर मस्त वीडियो एडिट करेंगे फिर डालेंगे। इधर मामी मेरे साथ चल रही हैं, बाकी भीड़ तो वैसा ही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अभी मेन रन निकलने भीड़ कितना होता है वो देखना पड़ेगा, कितना ज़्यादा भीड़ है देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। को रखवा दिए हैं यहाँ पे और हम लोग भी यहाँ बाकी आ चुके हैं, हम लोग सब अपने अपने गाड़ी में बैठेंगे, बाकी मम्मी लोग आ रही है इधर, देखिए वो लोग निकल गए उधर से। चलिए हम लोग भी चलते ही हैं अब गाड़ी के पास, गाड़ी के पास चलने घर चलेंगे, घर चलेंगे उसके बाद फिर आगे का जो प्रतिक्रिया होगा वो सब बताते चलेंगे बाहर। मज़ा आ गया सबको, निकलिएगा ना, हाँ ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग घर पे हम लोग भी, और छठ तो समाप्त हो गया भाई, छठ जब भी जाता है तो थोड़ा सा दुखी तो होते हैं, बट ठीक है, दैट वाज पार्ट ऑफ लाइफ। भगवान का आशीर्वाद मिला और क्या चाहिए हम लोगों को। और चलिए अब चलते हैं घर चलते हैं। अभी घर पे आ गए, पेट पूजा हो गया हम लोग का, मस्त खा पी लिए हैं और अभी लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब बच्चा पार्टी सबको यहाँ पे आ गया, सब हरदंगई मचा रहा है। तो सोचे कि ब्लॉग को यहाँ पे इन कर लेते हैं, क्योंकि लंबा ही ब्लॉग नहीं करना है हमको, ठीक है। मस्त खाए हैं और खाने का ब्लॉग हम नहीं ले पाए कि थक गए थे, इस कारण से फोन में डिस्चार्ज था, बाकी ठीक है। देखिए आज स्कूल नहीं गई है, स्कूल छोड़ दिया आज, तो हम लोग सोचे कि जाओ आज छुट्टी करवा देते हैं, बाकी सब ठीक है। तो चलिए अब चल के सोते हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं। तो अच्छा लगा तो पता नहीं क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखिए जितना तो उतना शेयर कीजिए, उतना सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा हमें भी आगे बढ़ाइए। और आप सबको लास्ट आखिरी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, छठ में आप सभी की मुरादें पूरी करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे ब्लॉग से, बाय।